गुड मॉर्निंग बहनों और उनके भाइयों। आज पता है मैं जल्दी उठ गई हूँ, बहुत जल्दी, मतलब 7:30 बजे उठी हूँ और मैंने नहा भी लिया है। थैंक यू। आराम से ताली वाली बजा देती हूँ मैं, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। बजा दी, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मैं जल्दी उठी हूँ इसलिए मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है जब मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती है तो हमारे घर में गुजराती डिशेस बनती रहती है। तो मेरा मन कर रहा है खमन बनाने का, और मैंने पहले बनाया भी है बट मैं भूल चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं सर्च करूँगी हाउ टू मेक खमन ऑन यूट्यूब। मैंने रेसिपी देख ली है, तो सबसे पहले ना अपन को चाहिए खमन बनाने के लिए, भूल गई मैं, बेसन। बेसन चाहिए अपन को, और फिर ना बेसन के अंदर डालेंगे 2-3 चीज़ें, फिर उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर बस बन जाएगा। मैं बनाती हूँ और तुम लोग देखो मेरे को मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है? थोड़ा खाना वाना बनाना सीख लो लड़को, अपनी बीवी को खुश रखना, फिर बना के देना उसको, और अगर गुजराती है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा उसको। सबसे पहले हम लेंगे ममता का बेसन, तुम लक्ष्मी का भी ले सकते हो। फिर उसको काटेंगे अपन उसी तरह से जैसे कि काटते हैं। फिर डालेंगे, यार ये क्या हो रहा है फोन को, तुम लोग बना रहे हो ना मेरे साथ में? यार ये क्या हो रहा है फोन को, आत्मा आ रही है तेरे में। बेसन ले लिया, डालेंगे इसमें। मम्मी ने कहा एक कटोरी कम है इसलिए मैंने एक और कटोरी डाल दी। अपन डालेंगे शुगर थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक, इतना, पता नहीं क्या बनने वाला, मुझे भी नहीं पता। फिर अपन डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, इतना दिख रहा है, अंधे थोड़ी हो। मेरी दुनिया तबाह हो गई। ये मैं किचन में आऊँ और कुछ गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता, पानी गिर चुका है। दिखो ये देखो ग्लम्जी, 3/4 पानी, 3/4 ग्लास। तो करेंगे मिक्स, ठीक है? खड़ा है तू, एक जगह बैठा है, कहाँ जाता है एक जगह पे? तुम लोगों को पता है खमण और ढोकले में फर्क होता है। खमण तो बेसन का बनता है और ढोकला किसका बनता है? सूजी का। यस वाओ, इतना तो पता है मुझे, नहीं तो मम्मी मारती अभी मुझे पीछे से। इतना सारी पता तेरे को? अब इस बैटर को रखना है 10 मिनट के लिए और फिर अपन बनाएंगे। यहाँ तक तुम लोगों ने फॉलो करा मेरे को कि नहीं करा? इडली वाला कुकर, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास, तो इसके अंदर डालेंगे अपन पानी। अब इस पे लगाएंगे ऑयल ना, थोड़ा सा उसको प्रीहीट करना है ताकि जब तक वो कुकर में जो पानी है वो उबल ना जाए तब तक प्रीहीट करना है थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। इनो डालते हैं अपन इसके अंदर, 6 सेकंड में काम खत्म, खमन का काम खत्म ना हो जाए। इसके अंदर डाल दिया मैंने, मुझे पक्का लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोटे में डालना चाहिए था थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ये बहुत पतला बनने वाला है। मैं जहाँ हूँ वहाँ गड़बड़ ना हो, उसे कैसे हो सकता है। अब इसको रखेंगे 20-25 मिनट के लिए तेज़ गैस पे। मुझे नहीं पता ये क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं पहले बनाया है बट मम्मी है ना पीछे खड़ी रहती है मेरे, क्योंकि मुझे पता, मम्मी को पता है मैं कितनी गड़बड़ करती हूँ। अब जो तड़का है ना इसका वो मम्मी से लगवाएंगे, क्योंकि अगर ख़राब भी बने तो मैं मम्मी पर डाल सकूँ कि मम्मी की आपने ख़राब बनाया है। क्या क्या डाला है इसमें? राई, हरी मिर्ची। राई, हरी मिर्ची और पानी, नींबू, मीठी नहीं, मीठी नहीं, नींबू का रस भी डालो आप, मेरे को पता है। मेरे को पता है तो बनाए क्यों नहीं? मम्मी फूला तो है यार। एक तरह से देख के आओ, इतना बुरा नहीं है, लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छा बना था। अभी भी आपने बनाया ना? नहीं बनाया। खमन ऐसा बनाओ कि 4 लोग क्या खुद को भी अच्छा ना लगे।